The objective of this channel to help you how to trading investing in basis of chart patterns or consult your financial advisor before taking any investment. नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल चार्ट विद ट्रेड। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक के लिए हम एक ही स्टॉक सिलेक्शन किए हैं एंड ये स्टॉक जो है उसका मेजर एंड मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो किस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, आने वाले टाइम में क्या आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, डिटेल्स में अभी हम एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट ऑफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड इस हफ्ते का जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है बिनोती ऑर्गेनिक्स। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है बिनोती ऑर्गेनिक्स का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। जैसे कि स्टॉक का प्राइस ईयर 2018 में यहां पे बॉटम फॉर्मेशन किया था, उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन को टेस्ट किया है, प्राइस को यहां पे मल्टीपल टाइम यहां पे डिमांड देखने को मिला है। एंड एग्जैक्टली प्राइस के लिए जो मल्टीयर का ट्रेंड लाइन जा रहा था ब्लू लाइन, जैसे ही प्राइस यहां पे ईयर 2024 में उसका मल्टीयर का सपोर्ट को टेस्ट किया, उसी लेवल से प्राइस अभी बाउंस कर रहा है एंड प्राइस अभी हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए रेडी है। एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है एंड प्राइस जिस टाइप का उसका मॉनिटर का सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, एक बार प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है अगर एक शॉर्ट टर्म लेवल को ब्रेक कर लेता है, जो कि आज हम कवर करेंगे कौन सा लेवल के बाद स्टॉक का प्राइस में बुलिश मोमेंटम एक्टिवेट हो सकता है। उसके साथ अगर अभी मैं यहां पे आंकड़ भी आपको प्लॉट कर दूंगा जो कि 2020 का लो के ऊपर, तो आंकड़ भी आपका सपोर्ट से भी प्राइस बाउंस किया है। एंड आंकड़ भी आप क्या है एंड आंकड़ भी आपको आप कैसे यूज कर सकते हैं, चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ईयर 2020 से जो यहाँ पे अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था ना, इस अप ट्रेंड को एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेडर्स जो एवरेज प्राइस दिए थे उसको कैलकुलेट करता है आंकड़ भ्याप। एंड एग्जैक्टली देखिए प्राइस जैसे ही आंकड़ भ्याप को टेस्ट किया, जो बिग इन्वेस्टर है ना उनका पोजिशन को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए आगे है एंड उसी लेवल से प्राइस यहाँ पे बाउंस कर रहा है। पहला तो हो गया मल्टीयर का ट्रेंड लाइन, मल्टीयर का सपोर्ट, उसके साथ आंकड़ भ्याप जो यहाँ पे आगे मेजर सपोर्ट एंड उसी लेवल से ही प्राइस अभी बाउंस कर रहा है। उसके साथ अगर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है, जिस चैनल को प्राइस देखिए अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल डिमांड देखने को मिला है, उसके साथ रेशियो चार्ट का भी बैकअप है जो कि आगे हम डिटेल्स में कवर करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट किया था 1696 का। जैसे ही स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 1696 इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा और यहाँ पे बुलिश मोमेंटम का कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर आपके पास स्टॉक अभी है, आपको होल्ड करना चाहिए एंड फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी तभी बनेगा जब प्राइस यहाँ पे इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा जो कि लेवल बन रहा है 1696 के ऊपर। एंड जो रिस्क को डिफाइन करने के लिए जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है वो बनेगा स्टॉप लॉस, जो कि बन रहा है 1548 के नीचे। जो प्रीवियस स्विंग लो है ना 1548, उसके नीचे आप एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं एंड अबव दिस स्विंग लो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आ सकता है एंड उसी हिसाब से आपका क्वांटिटी एंड रिस्क को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक लेवल एक्टिवेट हुआ नहीं है, लेवल एक्टिवेट होगा एंड यहाँ पे बुलिश मोमेंटम ट्रिगर करेगा 1696 के ऊपर। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस को समझ पा रहे होंगे एंड एक बार ये ट्रिगर हो जाने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1980 का एंड उसको ब्रेकआउट करने के बाद 2362 का, जो उसका लाइफ हाई है ना 2362 एंड AI 1982, इस दोनों टारगेट आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकता है जैसे ही प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा एंड प्रीवियस स्विंग लो एक्ट एज एग्जिट पॉइंट फॉर डिफाइनिंग योर रिस्क। एंड देखिए स्टॉप लॉस के लिए ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, आपका रिस्क हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रीवियस स्विंग लो एक्ट एज एक स्ट्रॉन्ग जोन जिस लेवल को प्राइस नॉर्मली ब्रेक नहीं करता है। तो स्टॉक आपके रडार में रखिएगा एंड हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा एंड अबव 1696 यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट आ सकता है। अभी हम चलते हैं रेशियो चार्ट के ऊपर, बिनोती ऑर्गेनिक्स वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट। एंड रेशियो चार्ट क्या है, रेशियो चार्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, चैनल में ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेशियो चार्ट देखेंगे तो रेशियो चार्ट देखिए उसका लगभग 15 ईयर्स का सपोर्ट के आसपास है, जो कि स्टार्ट हुआ था ईयर 2009।
जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने बिनोदी ऑर्गेनिक्स वर्सेस निफ्टी 500 का यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन किया हूँ। देखिए 2009 में बॉटम फॉर्मेशन किया था, 2011, 2013 जब भी प्राइस इस ब्लैक लाइन को टेस्ट कर रहा है उस लेवल से बिनोदी ऑर्गेनिक्स निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स प्राइस देखिए ईयर 2024 में प्राइस फिर से उसका मल्टीयर का सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि राज सोचा यहाँ पे सिग्नल दे रहा है आने वाले टाइम में बिनोदी ऑर्गेनिक्स निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है। ये तो हो गया मंथली स्टॉक। अगर अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम में भी प्राइस देखिए मल्टीयर का सपोर्ट से बाउंस कर रहा है एंड यहाँ पे बेटर कन्फर्मेशन मिलेगा जब राज सोचा यहाँ पे उसका प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा। अभी के लिए मल्टीयर का सपोर्ट से बाउंस आ रहा है, आउट परफॉर्मेंस आ सकता है एंड यहाँ पे जिस टाइप का सारा पैरामीटर देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन रहा है आउट परफॉर्मेंस का। उस हिसाब से आपका क्वांटिटी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल पैरामीटर देखेंगे एक सर्टन लेवल के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस का कन्फर्मेशन मिल जाएगा। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए सेल्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर में ग्रो हो रहा है, उसके साथ नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 72 करोड़ से 104 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे EPS भी ग्रो कर रहा है एंड यहाँ पे टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एंड एक डेट फ्री कंपनी है, एक जीरो डेट कंपनी है। अगर आप सारा पैरामीटर देखेंगे यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है आने वाले कपल ऑफ मंथ्स तक स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है। तो स्टॉक को आपके एनालिसिस में ऐड कीजिएगा, क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा एंड सारा लेवल ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं उस हिसाब से आपका डिसीजन ले सकते हैं। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।